हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं बैनामा के बारे में। एक आदमी बैनामा लिया है, वह बैनामा फुट में लिया है और वह उसकी मालियत जानना चाह रहा है, कैसे निकाली जा सकती है। तो देखिए, ये बैनामा की नकल है, 10 रुपये की स्टैम्प पर, नॉन जुडिशियल। ये नकल नंबर है 30/9 को यह जारी है। अगर असल स्टैम्प इसमें देखिए 60,000 का लगा हुआ, जो बैनामा हुआ है, हमने नकल के लिए स्टैम्प 10 रुपये का दिया, जो ये ऊपर लगा है। दस्तावेज का क्रमांक 3891/2021 में हुआ है और क्रम संख्या 24 तक यह दिया गया है। ये नकल का प्रारूप है। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है जो स्टैम्प है, उस समय स्टैम्प जो दिया गया था, देखिए यहाँ 60,000 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ इंडियन गवर्नमेंट नॉन जुडिशियल लिखा हुआ है और यहाँ दस्तावेज संख्या लिखा है, सन लिखा है, दस्तावेज संख्या और सन लिखा हुआ नॉन इंडियन नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस ई स्टैम्पिंग का मतलब कंप्यूटर से निकाला गया है। सर्टिफिकेट नंबर ये है और सर्टिफिकेट डेट इशू 15/21 को 2:18 पर यह जारी है। अब देखिए, अकाउंट रेफरेंस जिसने काटा है उसके अकाउंट से यह रेफरेंस दिया गया है। अब देखिए, संविधान के आर्टिकल 23 के हिसाब से यह दिया गया है। यहाँ देखिए, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मौजा पवई लाडपुर, तहसील निजामाबाद, जिला आजमगढ़, और ये नंबर दिया हुआ है, जो गाटा नंबर लिखाया गया है 215 मीन जुमला करके, और यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट पार्टी श्रीनिवास एंड लेट गोकुल प्रसाद, और यहाँ सेकंड पार्टी पद्मिनी कुशवाहा, वाइफ ऑफ डॉक्टर विनोद मौर्य। स्टैम्प ड्यूटी पेड पद्मिनी के द्वारा यह स्टैम्प दिया गया है। स्टैम्प की ड्यूटी अमाउंट 60,000 की है। अब देखिए, यहाँ 60,000 लिखा हुआ है, ये ई स्टैम्पिंग चलान है। इस तरीके से अब ई स्टैम्पिंग से बैनामा होगा। पहले जो बैनामा होता था, इसे 100-100 रुपये के बैनामा दिया जाता था, 5-5,000 के, 10-10,000 के, 20-20,000 के स्टैम्प लगते थे, लेकिन अब ई स्टैम्पिंग में ऐसा है, ई स्टैम्पिंग में ऐसा दिया जा रहा है। देखिए आगे, देखिए बैनामा के दौरान यह लिखा होता कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ, या फोटोकॉपी मूल प्रतिलिपि की यथास्थित एवं पूर्ण प्रतिलिपि है, दिनांक कितने को जारी है, ये विक्रेता के सिग्नेचर है। देखिए, यहाँ विक्रेता के फोटो लगे हुए हैं। ये बैनामा कैसे लिखा गया, लेख पत्र का प्रकार यानी बैनामा का प्रकार, बैनामा ये 14,00,000 रुपये में लिखाया गया है और इनकी मालियत 13,86,000 रुपये है। मालियत पर ही स्टैम्प दिया जाता है, तो मालियत पर अदा स्टैम्प 60,000 रुपये का है। महिला के नाम पर 40% दिया जाता है, पुरुष के नाम पर 50%, यानी अगर 1,00,000 मालियत है तो 50% 5,000 के स्टैम्प होगा, महिला का 4,000 के स्टैम्प होगा। भूमि का प्रकार वाणिज्यिक, देखिए भूमि के प्रकार दो होते हैं, जो दुकान के पर्पज़ से लिखाए जाते हैं वह वाणिज्यिक होते हैं, और जो रहने के पर्पज़ से लिखाए जाते हैं वह आवासीय होते हैं, और जो कृषि के लिए लिखाए जाते हैं वह कृषि के लिए होते हैं। इस प्रकार से, और देखिए यहाँ लिखा हुआ मौजा की अवस्थी अर्धनगरी, यानी मौजा टाउन से सटा हुआ अर्धनगर क्षेत्र में है। निर्धारित सर्किल रेट 26,000 रुपया, ये यही ख़त्म हो गया। अब अगला पेज यहाँ से स्टार्ट होगा, 26,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। दुकान का सर्किल रेट 15,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, और जो वो स्टैम्प का लिस्ट आती है पेज नंबर 45 के प्रारूप 3B कोड पर दिया हुआ है, नंबर 1304 है। तफसील अराजी यानी जहाँ की ज़मीन है, तफसील अराजी मौजा पवई लाडपुर तप्पा नंदाव परगना तहसील निजामाबाद जिला आजमगढ़ के अराजी नंबर 215 मीन यानी 215 मीन का पूरा रकबा 243 एयर है। 243 एयर में से 3.68 एयर यानी
3.68 ईयर में 2.47 से गुणा कर देंगे तो यानी 9.09 वर्ग कड़ी है, और कड़ी में जो 9.09 कड़ी में 4.05 से गुणा कर देंगे तो यह 36.81 वर्ग मीटर है। सालाना लगान 10 पैसे है। विकृत भूमि की लंबाई, देखिए ये कमर्शियल है इसलिए इसकी लंबाई चौड़ाई लिखी जा रही है, तो इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 44 फुट है। उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण जो ऐसे ऐसे उत्तर है, देखिए ऊपर उत्तर होता है ऊपर से नीचे 44 फीट है। रुकिए मैं भूचित्र भी बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ उत्तर से दक्षिण, यहाँ उत्तर है और यहाँ से दक्षिण, इन्होंने कितना बताया है, उत्तर से दक्षिण 44 फुट है। देखिए ये बताए हैं उत्तर से दक्षिण 44 फुट, यानी उत्तर से दक्षिण ये है 44 फुट है, उत्तर से दक्षिण 44 फुट और पूरब, यहाँ चौड़ाई पूरब से पश्चिम, जो चौड़ाई पूरब है पूरब से पश्चिम ये 10 फीट है, पूरब से पश्चिम 10 फीट है, पूरब से पश्चिम दक्षिणी सिरा, अब इसमें देखिए दक्षिणी सिरा ये है और उत्तरी सिरा ये है, तो दक्षिणी सिरा 10 फुट व उत्तरी सिरा 8 फुट, देख लीजिए दक्षिणी सिरा 10 फुट उत्तरी सिरा 8 फुट, इस लंबाई में यह मकान है। तो आगे अब देखिए, देखिए जो विकृत भूमि है 7.03 वर्ग कड़ी में है, जिसका यानी 4.05 से गुणा किया गया 2847 वर्ग मीटर है। भूतल दुकान बनी है, यानी उसमें दुकान है, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 34 फुट है, यानी जो ये दुकान बनी है, जो ये दुकान बनी है यहाँ 44 फुट पूरी लंबाई है, जो ये दुकान है यहाँ से यहाँ तक 44 फुट थी, 44 के बजाय ये 34 फुट, यानी 10 फुट उधर से निकाल दिया गया, 10 फुट इधर से कम हो गया, 34 फुट ये 34 फुट जो ये भूतल में दुकान बनी हुई है। इन्होंने लिखा है 34 फीट, देख रहे हैं 34 फीट, 34 फीट दुकान पूरब से पश्चिम 10 फुट है, ये 10 फुट उत्तरी सिरा दक्षिणी सिरा 8 फुट, शेष ज़मीन खाली है। तो देखिए ये 10 फुट है और ये 34 फुट है, ये इनका रकबा और यहाँ ये सिरा 8 फुट है, इसी सिरे पर ये लगाया गया है मकान। ये देखिए चौहद्दी भी दर्शाए हैं, चौहद्दी दर्शाया जाना अनिवार्य है। चौहद्दी में यह मकान राजदेव दीनानाथ पश्चिम मकान और उत्तर खाली जमीन है, दक्षिण सड़क, दक्षिण सड़क है सायगंज से आजमगढ़ जाने वाली। देखिए जो ये दक्षिण सड़क है यह शाहगंज से आजमगढ़ की तरफ जाने वाली है, ये आजमगढ़ की तरफ जाने वाली सड़क, इसी पर यह बैनामा हुआ है। फिर देखिए यहाँ विक्रेता का विवरण दिया हुआ है, फिर यहाँ बैनामे में क्रेता का विवरण दिया हुआ है, जो द्वितीय पक्ष है इनके विक्रेता का मोबाइल नंबर है, फिर क्रेता का मोबाइल नंबर, देखिए क्रेता का मोबाइल नंबर, गवाह के फोटो लगे हुए हैं, अब यही है। और इसमें लिखा जाता है कि इसमें अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजाति के नहीं है, अगर अनुसूचित जात के हैं तो उसका भी विवरण है, नहीं है तो उसका भी विवरण है। इस प्रकार से जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त जो रेट होता है वह रेट दे करके बैनामा कराया जाता है, बैनामे पर स्टैंप दे जो होता है। अब देखिए बैनामे पर महिला के लिए, जो भी महिला होगी यानी जो महिला है, महिला के लिए 40% की स्टैंप ड्यूटी है और पुरुष के लिए कितना है, पुरुष के लिए 50% स्टैंप ड्यूटी है। ये अगर 1,00,000 मालियत है तो 1,00,000 पर पुरुष 50,000 का स्टैंप, 5,000 की स्टैंप देगा, महिला 4,000 की स्टैंप देगी। महिला और पुरुष में यहाँ 1,000 का अंतराल है, 1,000 का अंतराल है, तो महिला को लिखाने से फ़ायदा क्या हुआ, जब ये महिला को लिखाएंगे तो महिला को लिखाने से इनका फ़ायदा हुआ, जब इनकी मालियत यानी 1,00,000 में 1,000 कमी है तो यहाँ 13,00,000 अगर मालियत है, यहाँ 14,00,000 अगर मालियत मान लिया जाए, 14,00,000 की मालियत में तो 14,000 की हमारी बचत हो जाएगी। कितनी बचत होगी, 14,000 की हमारी बचत हो जाएगी। इसी बचत के लिए लोग महिलाओं के नाम से वो रजिस्ट्री लेते हैं, महिला के नाम से रजिस्ट्री लेने से यही फायदा है कि स्टैंप ड्यूटी बचती है, स्टैंप में कम लगता है,
छूट के नाते कुछ पैसा बचाने के लिए महिलाओं से लोग बैनामा करवाते हैं। इस प्रकार से बैनामा का एक प्रकार है। और बैनामा के प्रकार में यह भी देखिए, अब डिजिटल सिग्नेचर होता है और डिजिटल थंब लगते हैं। देखिए डिजिटल थंब है, फ़ोटो खींचा गया कंप्यूटर से और यहाँ फ़ोटो खींचा गया, उनके थंब हैं जो लोग हैं, यहाँ देखिए जितने लोग लिखे हैं उनके थंब हैं, और ये थंब देखिए जो क्रेती है उसके हैं, थंब और फोटो हैं, उनकी पहचान और उनकी सिग्नेचर हुई है। इस तरीके से बैनामे को निष्पादन किया जाता है। निष्पादन देखिए हाशिया गवाह है, हाशिया गवाह के फ़ोटो लिए गए हैं जो उनके हाशिया गवाह हैं, और ये रजिस्ट्रार की टिप्पणी है। रजिस्ट्रार ने ये प्रत्यक्ष भद्र साक्षियों के अंगूठे निशान नियमानुसार लिए गए हैं। टिप्पणी, ये जो अभय श्री अभय नाथ सिंह उप निबंधक ये रजिस्ट्रार हैं, और ये जो पवन तिवारी निबंधक लिपिक है, श्री प्रकाश तिवारी निबंधक लिपिक है, ये उनकी सिग्नेचर है, रजिस्ट्रार की सिग्नेचर है। निष्पादन कर दिया गया। निष्पादन में देखिए ये है इनके आवेदन के क्रम संख्या है, और यहाँ बही नंबर 1 लिखा हुआ है, इसी से आपकी नकल मिलेगी। बही संख्या 1 जिल्द 3502 पृष्ठ के, जिल्द संख्या 3502 के पृष्ठ पर, यानी 343 से 362 तक क्रमांक, ये दस्तावेज नंबर है 3891 पर दिनांक 15/9 को रजिस्ट्री किया गया। रजिस्ट्री यानी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर अभय सिंह, अभी बताया गया है, 15/9 को निष्पादन किए हैं। इस तरीके से रजिस्ट्री होती है। वीडियो अगर रजिस्ट्री के बारे में अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।